हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज हम लेकर के आए हैं नई रेसिपी इडली सांभर। तो हमने लिया है चावल के आटा, सूजी और दही। तो सबसे पहले हम 2 कप डालेंगे चावल के आटा है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप सूजी, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जिसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट इडली तैयार होगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक, और हमारे वीडियो को देखिए अंत तक, तभी तो पता चलेगा आपको जो वीडियो में हमने क्या दिखाया है। और इस तरह से हम दही के साथ सूजी और चावल के जो आटा हमने लिया है उसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, बिल्कुल गाढ़ा। इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिलाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और ये है इनो। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। घोल को पतला नहीं करना है, गाढ़ा रखना है। इस तरह से पुआ बनाते हैं उसी तरह इसका भी घोल गाढ़ा होना चाहिए, तो अच्छा सा इडली तैयार होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और सांभर के लिए हमने इधर लिया है कुम्हरा, प्याज, टमाटर, आलू और कद्दू, मिर्ची, हरी मिर्च है, सबको हमने काट करके रख लिया है। और अब कुकर में डाल करके सांभर बनाएंगे। तो सबको ऊपर में डाल दिए। अब आधा गिलास पानी डाल देंगे और साथ में नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। के बाद हम इसमें ऐड कर दिए हल्दी पाउडर 1 चम्मच है,
पानी आधा गिलास के अलावा आधा गिलास और हमने डाल दिया और अब इसको उबलने के लिए गैस पर डाल देंगे। दो तीन सीटी में ये अच्छा से उबल कर तैयार हो जाएगा। और इधर जो हमने चावल के आटा और सूजी का घोल तैयार किया है उसमें इनो एक पाउच डाल दिया, छोटा सा पैकेट है, और अच्छा से मिक्स करेंगे इसको ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट इडली तैयार होगा। और कुछ देर के लिए उसको ढक करके छोड़ दिए ताकि वो इधर सांभर के लिए हमने जो सब्जी चढ़ाया था वह उबल चुका है, उसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। ताकि वो पूरा एक साथ मिल करके तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है इडली सांभर बनाने का। इधर हम थोड़ा सा ऐड किए गर्म पानी जिसमें इमली डाल दिए हैं, और अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाया, इसमें सरसों तेल डाल दिए। जब सरसों तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इधर तेल गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड कर दिए सूखी लाल मिर्ची। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जीरा, जीरा जब चटक गया तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को ऐड कर दी और इसको इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच है। लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, दो चम्मच तीखा के अनुसार। और अब इसमें ऐड किए मिक्स पाउडर एक चम्मच और थोड़ा सा और डाल दिए, और प्याज और मसाला जो हमने पाउडर डाला उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें जो हमने सांभर के लिए तैयार किया है उसका पानी इसमें डाल करके यानी कि पूरे को डाल दिए इसमें।
मसाला फ्राई हो चुका था और अब हम इसमें अच्छा से मिला लेंगे। ये जो हमने इमली का पानी तैयार किया है उसमें से ये इमली का छिलका या बीज जो भी है उसको हटा देंगे और पानी इसमें डाल देंगे। जो इमली का ग्रेवी निकला है उसमें डाल दिए। इसे बहुत ही टेस्टी बनता है सांभर, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें अब ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर है, चाट मसाला पाउडर है, सबको इसमें ऐड कर दिए। ये सांभर मसाला है तो हमारा सांभर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। और ये जो इडली बनाने वाला क्रीम है इसी में डालेंगे घोल को, जो हमने घोल तैयार किया था चावल और सूजी का। तो पहले इसमें थोड़ा थोड़ा हम रिफाइंड डाल देंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं, अच्छा से इडली बनकर तैयार होगा। जो भी फ्रेम है, चार फ्रेम है, इसमें हम लगा दिए रिफाइन। और डाल देंगे बारी बारी से सभी फ्रेम में खोल को। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और ये जो घोल है इसको कड़छी से उठाकर सभी में हम बराबर बराबर डालें देंगे। जितनी इसकी गहराई है उतना तक बराबर करके डाल देंगे ताकि अच्छा से इडली तैयार होगा। और इस तरह देखिए फ्रेम है, इसमें हम लगा देंगे। गैस को जला दिए, पानी इधर उबल रहा है और उसी में इसको हमको डालना है। तो पहले जो भी घोल है उसको डाल करके उसी टाइम में नट जो भी है उसको लगा दिए ताकि
फ्रेम में डाल दिए। और इसको कुछ ऐसा बर्तन से ढक देंगे ताकि ये अच्छा से पक जाएगा, पर ये सेट नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको क्या चीज़ से ढकते हैं, क्योंकि अच्छा से बराबर से ढक जाना चाहिए। बराबर से ढक चुका और इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो ये हाफ के द्वारा बनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने देंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको धीरे धीरे इस फ्रेम से बाहर निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छा से बन चुका है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और इसको एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग करके रखेंगे ताकि चिपके नहीं एक दूसरे से। ये रहा हमारा इडली बनकर तैयार हो गया। तो बहुत ही टेस्टी लगता है इडली सांभर खाने में, बहुत पसंद से लोग खाते हैं। और बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप सिर्फ चावल के आटा के भी बना सकते हैं, सिर्फ सूजी का भी बना सकते हैं, और साथ में दोनों को मिलाकर के भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा इडली बनकर तैयार हो गया है। अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।